हेलो फ्रेंड्स, आ गए अपन अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज मैं ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जो पैनिक स्टॉक भी हैं और डिविडेंड भी देते हैं, और प्लस उसी के साथ मैं एक ऐसा स्टॉक भी बताने जा रहा हूं जो एक रुपये के अंडर वैल्यू हैं, मतलब एक रुपये से भी कम के नीचे के स्टॉक हैं और काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं जो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में पता मिलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि 5,000 से भी ज़्यादा प्लस ये स्टॉक पाए जाते हैं, मतलब पैनिक स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ऐसे ही स्टॉक मैं कुछ ढूंढ कर लाया हूँ जो काफ़ी अच्छे रिसर्च करने के बाद में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और ये आपको मैं बता दूं कि आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह लेकर ये इनमें इन्वेस्ट करें। और ये आपको मैं बता देता हूँ वो कौन कौन से स्टॉक के नाम हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टॉक निकल कर आता है कल्पस लिमिटेड स्टॉक, ये आप देख सकते हैं कि एक वन डे के अंदर भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 62 का हाई लगाया है, 5 डे का भी देखेंगे या 1 मंथ का देखेंगे, जिसमें भी इसने हर डे के अंदर इसने 1 मंथ के अंदर 4% की अपर सर्किट लगाया है, 15 रुपये की छाल दिखाई है। और यही अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सेकेंड स्टॉक की। यहाँ पे जो दूसरा स्टॉक निकल कर था VST इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है काफ़ी हाई है, पर पैनिक स्टॉक है पर इसका प्राइस है जो काफ़ी हाई है। दूसरी बात ये है कि मतलब ये भी पैनिक स्टॉक है, ये भी डिविडेंड देता है। और यहाँ पे आप देख लेते हैं तीसरा स्टॉक, यहाँ पे जो तीसरा स्टॉक है जो अभिषेक इन्फोसेक ओल्ड शाह इस कंपनी का नाम है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे 4% की अपर तेजी दिखाई है, और यहाँ पे 5 डे का देख लो या 1 मंथ का देख लो, मतलब कि स्टॉक ने अपर सर्किट पे अपर सर्किट ही लगाया है और यहाँ पे काफ़ी शानदार रिटर्न देते हुए ये निकल रहा है। और बहुत पैनिक स्टॉक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके 3 रुपये के आसपास का ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख लेते हैं अपन चौथा स्टॉक जो कौन सा निकल कर आता है वो आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो चौथा स्टॉक है बिल्कुल ही आपको देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कम प्राइस का 36 पैसे का ओनली आपको ये देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अपर सर्किट के अंदर 2% का इसने अपसाइड दिखाया है। और ये इसका कंपनी का नाम है जो देख लेते हैं अपन, नायको यूकॉन एयरलाइंस क्रेडिट लिमिटेड। ये काफ़ी शानदार रिटर्न देते हुए निकल सकता है, और आपको ये अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा पैसे नहीं लगा के बिल्कुल कम पैसों में, पैनिक स्टॉक ऐसे ही होते हैं कि कम पैसे में लगाकर अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं और आपका जो पैसा है कभी ना कभी आपका डबल से तिगुना हो सकता है। ऐसे ही स्टॉक पैनिक स्टॉक होते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं अपन जो पाँचवा स्टॉक निकल कर आता है वो काफ़ी शानदार स्टॉक है। यहाँ पे जो पांचवा स्टॉक निकल रहा है जैकी इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का नाम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है, मतलब कि ओनली 6 मंथ के अंदर ही इसने इस कंपनी के स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न देते हुए दिखाया है। मतलब 58% का इसने अपर सर्किट दिखाया है और ये काफ़ी शानदार रिटर्न दे रहा है। और इसके जाते जाते एक लास्ट स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा स्टॉक है और 10% का डिविडेंड भी देता है और पैनिक स्टॉक भी है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पे इस कंपनी का नाम मैं जो बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी शानदार रिटर्न देने वाली कंपनी साबित हो सकती है और ये 10% का डिविडेंड भी देती है। यहाँ पे आप कंपनी का नाम देख सकते हैं बलवान लवरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही है और काफ़ी यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी का नाम। और यहाँ पे आपको बता दूँ 1 डे के चार्ट में ही आपको यहाँ पे 0.93 की अपर सर्किट देखने को मिल रहा है और काफ़ी शानदार रिटर्न देने का साबित हो सकता है। और ये अभी काफ़ी लो प्राइस में, मतलब 52 वीक के लो पे ट्रेड कर रहा है और आपके पोर्टफोलियो में बनाने का अभी सही टाइम है और ये काफ़ी शानदार रिटर्न दे सकता है। और ये आपको जाते एक चीज़ और बता दूँ, ये 10% से भी ज़्यादा का रिटर्न डिविडेंड देता है, डिविडेंड देता है और ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। और आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टर से आप सलाह लेकर इन सभी स्टॉकों को आपके पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।